प्रीवियस चैप्टर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, अब यहां इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करने वाले हैं, यानी कि क्या बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, उन प्रॉब्लम्स को जानेंगे और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है या फिर उनसे कैसे बचा जा सकता है इस बारे में जानेंगे। देखो, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, मैं यहां पार्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूं, लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को लेकर के अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। लोग फैमिली प्लानिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में नहीं जानते हैं ज्यादा और ना ही बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में जानते हैं। पुराने समय में मैरिज इन अर्ली एज ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था यहाँ। खैर, अब तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो चुका है। बच्चों को बहुत कम उम्र में ब्याह दिया जाता था, बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी, और जब कम उम्र में शादी कर दी जाती थी तो एडोलेसेंट स्टेज आते आते फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज हो चुकी होती थी, और फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज का भी बहुत बुरा असर पड़ता था हेल्थ पर। इन सारी चीजों के अलावा प्रेग्नेंट वुमेन को जो केयर और न्यूट्रिशन चाहिए उसकी कमी भी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। 1952 में इंडिया में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, और बाद में 1997 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स यानी कि RCH को शुरू किया गया। जो RCH प्रोग्राम्स हैं उनका फोकस किन चीजों पर रहता है, सेक्स एजुकेशन पर और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में लोगों को अवेयर करने के बारे में, नॉलेज ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड प्रेगनेंसी, क्योंकि लोगों को जब तक बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पता नहीं होगा तब तक वो इनका उपयोग कैसे करेंगे, और प्रेगनेंसी के बारे में भी लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसकी केयर कैसे करनी है ये बताया जाता है इसमें, और पोस्टनेटल केयर यानी कि बच्चे के जन्म के बाद माँ और बच्चे का केयर कैसे करना है, इन चीजों के बारे में यहाँ बताया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फेटिसाइड, बहुत सारे लोग गर्भ के समय में ही ये पता करवा लेते हैं एमनियोसेंटेसिस के थ्रू कि होने वाले बच्चे का सेक्स क्या है, वो फीमेल है या फिर मेल है, और फीमेल को देखकर बहुत सारे लोग उसकी हत्या करवा देते हैं, एबॉर्शन करवा देते हैं। ये इंडिया में लीगली एक पनिशेबल ऑफेंस है। एमनियोसेंटेसिस के थ्रू बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करना, बच्चे का लिंग पता करना एक कानूनी अपराध है। तो इसके बारे में RCH प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को बताया जाता है कि फीमेल फेटिसाइड करना गलत है। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन भी RCH प्रोग्राम्स का ही हिस्सा है, यानी कि जन्म के बाद बच्चे को कौन कौन से टीके लगने हैं, कब लगने हैं, ये बताना भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। लोगों को अवेयर किया जाता है इम्यूनाइजेशन के प्रति, क्योंकि बच्चों को अगर सही समय पर टीके लगवाए जाएंगे तो आगे बहुत सारे रोगों से उनकी रक्षा हो जाती है। और रिसर्च ऑन रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज यानी कि RCH प्रोग्राम्स के थ्रू रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए एरियाज पर रिसर्च को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप डेटा देखोगे 1991, 2001 और 2011 का, तो आप देख सकते हो कि जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी कि पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने सारे लोग रहते हैं वो भी देखो कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है पर डिकेड का वो घटता जा रहा है। देखो 1991 में 23.5% था, जो कि 2011 में 17.7% हो गया। लोगों में अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, इसी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये जो जनसंख्या विस्फोट हुआ हमारे देश में, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बेहतर होती चली गई। पहले के जमाने में लोग छोटी छोटी बीमारियों से भी मर जाते थे, अब ऐसा नहीं होता है, लोगों तक मेडिकल फैसिलिटीज आसानी से पहुंच पाती हैं, इसलिए जो डेथ रेट है वो घटती चली गई। जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो भी क्या हो गई, घटती चली गई है, क्योंकि अब जो बच्चे का जन्म होता है वो बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज के बीच होता है। तो इन चीजों में कमी की वजह से भी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ा है, और मेडिकल फैसिलिटीज जब इम्प्रूव हुई तो लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन भी जो है वो भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर
पॉपुलेशन को काफी तेजी से बढ़ा रही है हमारे देश में। अब हम देखेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स को, यानी कि ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू बच्चे के जन्म पर नियंत्रण रखा जा सके। ये मेथड्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और सबसे पहले यह हम नेचुरल टाइप्स को देखने वाले हैं। जो नेचुरल मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के उन्हें समझेंगे। जो सबसे पहला मेथड है यहाँ वो है रिदम मेथड या फिर पीरियडिक एब्स्टिनेंस। इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद का जो समय है उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। मान लो किसी फीमेल में 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे में क्या हो रहा होगा, ओव्यूलेशन हो रहा होगा। तो 14th डे के बाद कुछ समय तक यानी कि कुछ दिनों तक फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम के रहने का चांस ज्यादा होता है। तो अगर इन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद के समय में सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। जो सेकेंड मेथड है वो है कोइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है कि इजैकुलेशन से ठीक पहले पेनिस को विथड्रॉ कर लिया जाता है वेजाइना से। अब जब इजैकुलेशन होगा नहीं वेजाइना के अंदर तो सीमेन वहां पर रिलीज नहीं होगा, और जब सीमेन रिलीज होगा नहीं तो स्पर्म सेल्स आएंगे नहीं वहां, और जब स्पर्म सेल्स आएंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो ये मेथड है कोइटस इंटरप्टस का। चलो देखते हैं थर्ड मेथड को। इसे कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया पर बेस्ड ये जो मेथड है इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि जब कोई फीमेल एक्टिवली लैक्टेट कर रही हो यानी कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हो तो उन दिनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा तो ओवम प्रेजेंट होगा नहीं यहां पर, क्योंकि ओव्यूलेशन होगा नहीं। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा ओवम यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा तो ऐसे दिनों में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन की चांसेस नहीं बनेंगे। इस तरह से आपने बर्थ कंट्रोल के तीन नेचुरल मेथड्स को देखा। इन मेथड्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी केमिकल वगैरह यूज हुआ नहीं है। हालांकि जो कोइटस इंटरप्टस वगैरह है उससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स ये नेचुरल वाले हैं उनका फेलियर रेट काफी ज्यादा होता है। मान लो पीरियडिक एब्स्टिनेंस के मेथड में कोई कपल ये मानकर चल रहा है कि 14th डे में ओव्यूलेशन होगा, लेकिन ओव्यूलेशन थोड़ा सा पहले हो गया, 12वें दिन हो गया, तो ऐसे में जो कैलकुलेशन है वो फेल हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो नेचुरल मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के उनका फेलियर रेट काफी ज्यादा होता है। नेचुरल मेथड्स के बाद बैरियर मेथड्स को समझेंगे हम। इन मेथड्स में स्पर्म्स और ओवम को आपस में मिलने से रोका जाता है कुछ फिजिकल बैरियर्स का इस्तेमाल करके। तो चलिए देखते हैं ये फिजिकल बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं। जो सबसे पहला है वो है कॉन्डोम। ये एक लेटेक्स का बना हुआ काफी पतला सा शीट होता है जिसे कि कॉपुलेशन से पहले पेनिस के ऊपर पहन लिया जाता है। इससे क्या होता है कि इजैकुलेशन होने पर जो सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डिपोजिट होने के बजाय कॉन्डोम में ही रह जाता है। एक और फायदा है कॉन्डोम का कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाता है, क्योंकि मेल और फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स आपस में टच नहीं हो पाते, जो फ्लूइड्स हैं उनका एक्सचेंज नहीं हो पाता है आपस में। तो इस तरीके से जो कॉन्डोम है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी क्या करता है, बचाता है। ऐसे ही एक दूसरी चीज है वो है फेमिडोम यानी कि फीमेल कॉन्डोम। ये कॉन्डोम ही होता है लेकिन ये फीमेल के लिए बना हुआ होता है। ये एक थिन रबर ट्यूब है जिसका कि एक हिस्सा जो होता है वो क्लोज्ड होता है और इसे वेजाइना के अंदर प्लेस कर दिया जाता है कॉपुलेशन से पहले। ये कुछ ऐसा होता है जिसके कि एक हिस्से पर रिंग बनी हुई होती है और इसे इंसर्ट कर दिया जाता है वेजाइना के अंदर कॉपुलेशन से पहले। तो फिर जो सीमेन डिपोजिशन होगा वो कहाँ होगा, इस फेमिजोम के अंदर ही, यानी कि इस फीमेल कॉन्डोम के अंदर ही होगा। जो तीसरा बैरियर है वो है डायफ्राम या फिर सर्वाइकल कैप, इसे इवॉल्व्ड भी कहते हैं। ये एक रबर शीट होता है जिससे कि सर्विक्स को कवर कर दिया जाता है कोइटस से पहले। इसके साथ साथ कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम या फिर जेली का भी यूज होता है इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में। तो देखो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये जो हिस्सा है सर्विक्स का इसे कवर कर दिया जाता है इस कैप के थ्रू, ठीक है। तो ये स्पर्म को अंदर जाने नहीं देगा, और इसके साथ साथ कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स का भी इस्तेमाल होता है जो कि कोई स्पर्म अगर यहां से जाने का प्रयास भी करता है तो वो क्रीम्स उस स्पर्म को मार देती है। तो ये कुछ बैरियर मेथड्स थे बर्थ कंट्रोल के। चलो आगे कुछ और मेथड्स को समझते हैं। यहां हम इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में जानने वाले हैं।
ये कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं जिनका एक बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है, वो है डेपो प्रोवेरा, जो कि आप यहां पर फोटो में देख सकते हो। ये प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव्स होते हैं और जब इन्हें बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो ब्लड में प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन या तो सप्रेस हो जाता है या फिर ओव्यूलेशन नहीं होता है। इस तरीके से जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो प्रेगनेंसी से बचाते हैं। इन्हें 1 से 3 महीने के बीच में एक बार इस्तेमाल करना होता है। इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स क्या हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलर हो जाता है इनके इस्तेमाल से। नॉर्मल सी बात है कि बॉडी में जब बाहर से आप प्रोजेस्टेरॉन को भेज रहे हो तो वो हार्मोनल इंबैलेंस काउज करेगा और उस हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो रेगुलरिटी है वो प्रभावित होगी। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बाद यहां हम बात करने वाले हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। ये कुछ हार्मोनल पिल्स होते हैं, कुछ टैबलेट्स होते हैं जिनमें कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। ये वैसे ही काम करते हैं जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। देखो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का जो हाई लेवल होगा वो GnRH के रिलीज को डिक्रीज करवाएगा निगेटिव फीडबैक के थ्रू, आप तो जानते ही हो, और इसकी वजह से FSH और LH का लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब FSH का लेवल डिक्रीज होगा तो फॉलिकल्स डेवलप होंगे नहीं और ओव्यूलेशन होगा नहीं। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कुछ और तरीके से काम करता है। क्या करता है ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देता है। जब सर्विक्स का म्यूकस थिक हो जाएगा तो स्पर्म्स वहां से होकर आगे पास नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही जो एस्ट्रोजन है वो भी कुछ ऐसा ही निगेटिव फीडबैक भेजता है और इसकी वजह से FSH का लेवल डिक्रीज हो जाता है और फिर ना तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा और ना ही ओव्यूलेशन होगा। तो ये सब हॉर्मोन्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, वो है सहेली। इसे डेवलप किया गया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, यानी कि CDRI लखनऊ में। आपके एग्जाम में ये काफी बार पूछा जाता है, नीट एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। तो सहेली क्या है, एक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि नॉन स्टेरॉइडल टाइप का है, यानी कि इसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इसे वंस अ वीक यूज करना होता है, यानी कि सप्ताह में एक बार इसका इस्तेमाल करना होता है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि माला डी, माला एन वगैरह वगैरह। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक और कैटेगरी है जिसे कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कहते हैं। ये इमरजेंसी पिल्स होते हैं। इन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर यदि ले लिया जाता है तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है इसका जिसे कि अनवांटेड 72 कहते हैं। तो ये कुछ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स थे। इनके बाद हम जानेंगे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में, यानी कि IUDs के बारे में। इन्हें यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा। ये करते क्या है, यूट्रस को अनफ्रेंडली बना देते हैं स्पर्म्स के लिए। तो कोई स्पर्म अगर यूट्रस से होकर जाना चाहेगा फैलोपियन ट्यूब तक तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यूट्रस जो है वो स्पर्म के लिए अनफ्रेंडली बन चुका है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है नॉन मेडिकेटेड IUDs का। देखो यहां जो भी एग्जांपल्स मैं बताने जा रहा हूं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली NCERT से डाले गए हैं एग्जांपल्स और आपके एग्जाम में 12th के बोर्ड एग्जाम में और नीट एग्जाम में दोनों में इस चैप्टर से एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो जो नॉन मेडिकेटेड IUDs होते हैं उनका एक एग्जांपल है लिपीज लूप, और जो सेकेंड जनरेशन IUDs होते हैं जिन्हें कि हम कॉपर रिलीजिंग IUDs भी कहते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये सब क्या करते हैं, कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं और कॉपर आयंस वहां से गुजरने वाले स्पर्म्स की मोर्टिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो ऐसे ये कॉपर रिलीजिंग IUDs जो है वो अपना काम। जो थर्ड जनरेशन IUDs हैं वो है हार्मोन रिलीजिंग IUDs। ये हार्मोन रिलीज करेंगे और इसका एक एग्जांपल है LNG20। LNG20 एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये हार्मोन को रिलीज करता रहता है और यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए, और जो सर्विक्स है उसे भी स्पर्म्स के लिए अनफ्रेंडली बना देता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस को यूट्रस के अंदर लंबे समय तक के लिए छोड़ा जा सकता है, लगभग 10 साल तक के लिए इसे छोड़ा जा सकता है यूट्रस के अंदर। तो कोई वुमेन जिसे कि पहले से बच्चे हो चुके हैं वो अगर लंबे समय के लिए कॉन्ट्रासेप्शन करना चाहती है तो वो IUD का इस्तेमाल कर सकती है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बाद यहां हम जानेंगे हार्मोनल इम्प्लांट्स के बारे में। हार्मोनल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, ये कुछ थिन ट्यूब्स होते हैं जिनके अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें यूजुअली अपर आर्म के
स्किन के नीचे प्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हो, ये जो अपर आर्म वाला हिस्सा है, यहां स्किन के नीचे इसे प्लेस कर दिया जाएगा। और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नॉड प्लांट, इम्प्लानॉन वगैरह। ये करते क्या है? बिल्कुल जैसे कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अपना काम करते हैं, वैसे ही ये अपना काम करते हैं। लेकिन ये स्लोली स्लोली हॉर्मोन्स को ब्लड में रिलीज करते रहते हैं और लंबे समय तक, लगभग 3 से 5 साल तक ये इफेक्टिव रहते हैं। इनके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, ऑब्वियस बात है भाई, जहां भी आप हॉर्मोन्स के साथ खेलोगे तो साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी आ सकती है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से एब्सेंट हो सकता है। हॉर्मोनल इम्प्लांट्स के बाद हम जानेंगे कुछ स्टरलाइजेशन मेथड्स के बारे में, जो कि है वासेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वासेक्टॉमी जो है वो मेल्स में किया जाता है और जो ट्यूबेक्टॉमी है उसे फीमेल में किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं वासेक्टॉमी के बारे में। इसमें क्या किया जाता है कि जो वास डिफरेंस है दोनों, इन्हें काट करके बांध दिया जाता है। देखो यहां पर कट कर दिया गया और घुमाकर लाइगेट कर दिया गया, बांध दिया गया। इससे क्या होगा, इजेकुलेशन के वक्त जब स्पर्म सेल्स यहां से होकर आगे बढ़ेंगे तो वो स्पर्म्स यहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि रास्ते में क्या हो चुका है, वास डिफरेंस को काट दिया गया है। तो ये काफी सक्सेसफुल मेथड होता है बर्थ कंट्रोल का। ऐसे ही जो ट्यूबेक्टॉमी है, वहां क्या किया जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसे कट करके लाइगेट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अच्छा एक बात सोचो, ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि फैलोपियन ट्यूब को काट करके बीच के हिस्से को हटा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है? ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि बाद में किसी वजह से अगर ये कपल दोबारा से बच्चे पैदा करना चाहें तो इस प्रोसेस को रिवर्स कैसे किया जाएगा फिर? यहां पर सर्जरी के थ्रू इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है, इस लाइगेशन को हटा करके वापस से ट्यूब्स को कनेक्ट किया जा सकता है। लंबा प्रोसेस है बट पॉसिबल है, लेकिन अगर काटकर हटा दिया जाएगा फिर तो ये रिवर्सिबल रह ही नहीं जाएगा। तो वासेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, ये दोनों बर्थ कंट्रोल के ऐसे मेथड्स हैं जो कि काफी सक्सेसफुल भी हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अब हम जानेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि MTP के बारे में। ये क्या है भाई? डेलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है भाई? जब किसी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो मदर के लिए या चाइल्ड के लिए या फिर दोनों के लिए हार्मफुल, यानी कि जानलेवा हो सकती है, तो वैसे सिचुएशन में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। इंडिया में इसे 1971 में लीगलाइज किया गया कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इसका दुरुपयोग होने लग जाए, इसका मिसयूज होने लग जाए। एमटीपी को प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ माना जाता है, यानी कि जब प्रेगनेंसी शुरू हुई है तब से 3 महीने तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफ होती है, लेकिन बहुत आवश्यकता पड़ने पर 20 सप्ताह के समय तक इसे किया जा सकता है। एमटीपी को एसेंशियल तब माना जाता है जबकि प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन मदर के लिए, फीटस के लिए या फिर दोनों के लिए फैटल, यानी कि जानलेवा हो सकता है। हमारे देश में एमटीपी का इस्तेमाल एक बहुत बुरे काम के लिए होता है। वो क्या होता है भाई? लोग एमनियोसेंटेसिस के थ्रू ये पता कर लेते हैं कि जो बच्चा है गर्भ में वो कौन सा है, मतलब मेल है या फीमेल है, और फीमेल देखकर उसकी एमटीपी करवा देते हैं, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा देते हैं। हालांकि ये लीगली बहुत ही ज्यादा पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन फिर भी इसका दुरुपयोग हो रहा है अभी के समय में भी। जो फीटस डेवलप हो रहा है वो मेल है या फीमेल है, इसका पता लगाया जाता है एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। इसे ही एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट भी कहते हैं। हालांकि ये इस पर्पस से बना नहीं है, इसका जो यूज होता है असल में वो होता है जन्म से पहले बच्चे में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज का पता लगाने के लिए। देखो कैसे होता है ये, यहां पर देखो एक फीटस डेवलप हो रहा है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें कि वो फ्लोट कर रहा है, तो एक ट्रांसड्यूसर के थ्रू ये पता लगा लिया जाता है कि बच्चा अभी कहां पर है, किस जगह पर वो पोजिशनड है, और नीडल को कुछ ऐसे इंसर्ट किया जाता है कि उस बच्चे को कोई हार्म ना पहुंचे, और यहां से कुछ एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर ड्रेन आउट कर लिया जाता है। इस फ्लूइड में कुछ फीटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि लैब में कल्चर किया जाता है, और फिर उनके डीएनए को देखा जाता है कि क्या उनमें कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी तो नहीं प्रेजेंट है। लेकिन इस टेक्निक का एक बुरा इस्तेमाल होने लग गया है, किस चीज के लिए, कि बच्चे का जो जेंडर है, बच्चे का जो सेक्स है वो मेल है या फीमेल है, इसका भी पता चल जाता है इस टेस्ट के थ्रू, और लोग इसका दुरुपयोग करने लग गए। तो अब तक हमने बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में जाना, उसके बाद हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को देखा, अब आगे
हम जानेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। चलो देखते हैं। वैसी बीमारियां जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती हैं, उन्हें एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स वगैरह। इन सब के जो काउजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख लेना। इन बीमारियों को हम आगे एक बार और पढ़ेंगे काफी डिटेल में, जबकि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। ये जो बीमारियां हैं ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू तो फैलती ही हैं, लेकिन कुछ और तरीकों से भी फैल सकती हैं। जैसे कि जो एड्स है वो इंजेक्शन को शेयर करने से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को शेयर करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन चीजों से फैल सकता है। अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है एचआईवी से तो वो भी अपने फीटस को ये एचआईवी दे सकती है। अब हम जानेंगे कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में। किनके कॉमन सिम्टम्स? एसटीडीज के। तो जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो क्या सब हो सकते हैं भाई? इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन हो सकता है यूरिथ्रा में, यूरिनेशन या फिर इजेकुलेशन के समय या उसके बाद बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है यूरिथ्रा से, माइल्ड पेन या स्वेलिंग हो सकती है जेनिटल रीजन में। हालांकि ये काफी जनरलाइज्ड सिम्टम्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम्स सिर्फ एसटीडीज के ही हो सकते हैं। हो सकता है कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, कोई यूटीआई हो सिंपल सी, उससे भी ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। एसटीडीज को कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है अगर इन्हें अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए और सही तरीके से इनका ट्रीटमेंट हो। हालांकि कुछ एसटीडीज कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होते, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस और एड्स। इन तीनों डिजीज को मैनेज किया जा सकता है, यानी कि पेशेंट के कंडीशन को बेहतर बनाकर रखा जा सकता है कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हदों तक। जो 15 से 24 साल के बीच के लोग होते हैं वो एसटीडीज के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि एक तो ये सेक्सुअली एक्टिव एज है और इस एज में जो लोग होते हैं यानी कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो नई चीजों के प्रति काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं और ऐसे में कुछ गलतियां हो जाती हैं। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को, तो चलिए देखते हैं। अननोन पार्टनर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए और क्वाइटस के दौरान यानी कि कॉपुलेशन के दौरान कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। इनके इस्तेमाल से, कॉन्डोम्स के इस्तेमाल से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा जा सकता है। इन चीजों के अलावा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उन्हें हमेशा स्टरलाइज्ड ही यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें हॉस्पिटल में ध्यान में रखी जा सकती है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज्ड होने चाहिए और जो इंजेक्शन नीडल्स होते हैं वो डिस्पोजेबल वाले ही यूज करने चाहिए, यानी कि एक पर्सन में यूज हुआ तो फिर उसे डिस्पोज कर देना चाहिए। और ब्लड डोनर्स की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी एसटीडीज जो है वो फैल जाते हैं। तो यहां आपने एसटीडीज के बारे में यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में देखा। अब आगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं, जो कि है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, कहने का मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता का ना होना इनफर्टिलिटी कहलाता है। यहां सबसे पहले हम इनफर्टिलिटी इन मेल्स को डिस्कस करेंगे। देखो, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट, एजोस्पर्मिया यानी कि नियो एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, टेराटोजूस्पर्मिया यानी कि एबनॉर्मल स्पर्म्स, एस्थेनोजूस्पर्मिया यानी कि रिड्यूस्ड स्पर्म मोटिलिटी, क्रिप्टोर्किडिज्म जिसे कि आपने टेस्टिस वाले टॉपिक में पढ़ा था, अगर टेस्टिस डिसेंड ही ना हो पाया हो स्ट्रॉटम में तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होते हैं अगर उनमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकावट होगी तो स्पर्म आगे तक पहुंच नहीं पाएगा, यूज ऑफ सम ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म, तो ये सारी चीजें जो है कुछ ड्रग्स अल्कोहल वगैरह ये भी इनफर्टिलिटी काउज करते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज के कारण इम्पोर्टेंसी हो सकती है। इम्पोर्टेंसी कहने का मतलब क्या है? पेनिस का इरेक्ट ना होना। जब पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाएगा तो सीमेन को वेजाइनल ट्रैक्ट में नहीं पहुंचाया जा सकेगा, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और पिट्यूटरी थायराइड वगैरह के डिसऑर्डर्स के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो बहुत सारे काउज हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। चलो देखते हैं फीमेल्स में इनफर्टिलिटी को। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की क्या वजहें हो सकती हैं? यहां पर ओवरी का कोई एबनॉर्मलिटी हो सकता है, जैसे कि पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, या फिर यूट्रस की कोई परेशानी हो सकती है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी में अगर कोई डिफेक्ट है तो इसकी वजह से भी ओव्यूलेशन समय पर नहीं हो सकता है
या फिर ओव्यूलेशन पूरी तरह से रुक सकता है, तो ये चीजें भी इनफर्टिलिटी काउज कर सकती हैं। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होना फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। और इसके अलावा कुछ और वजहें हैं, जैसे कि वेजाइना या सर्विक्स में अगर इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये कुछ बातें थी इनफर्टिलिटी के बारे में। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे इनफर्टिलिटी के केस में मेडिकल साइंस की मदद से प्रेगनेंसी को लाया जा सकता है, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को हम आगे देखेंगे। यहां हम सबसे पहले देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी को। देखो, इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर। इसके उल्टा एक वर्ड है जो कि इन विवो, जिसका मतलब होता है बॉडी के अंदर। लेकिन यहां हम देख रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को, मतलब बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजिंग द एग सेल बाय स्पर्म आउटसाइड द वुमेन्स बॉडी इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्यों होता है? अगर किसी फीमेल में एग सेल प्रोड्यूस हो रहा हो और जो मेल पार्टनर है वहां पर स्पर्म्स नॉर्मल है, लेकिन कोई प्रॉब्लम है फीमेल के अंदर जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो आर्टिफिशियली बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन को इंड्यूस करवाया जाता है, उसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ओवम और स्पर्म को कलेक्ट कर लिया जाता है और लैब में सिमुलेटेड कंडीशंस के अंदर जायगोट फॉर्म करने के लिए इंड्यूस करवाया जाता है, तो इसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो जायगोट अब डेवलप होता है, यानी कि जो अर्ली एम्ब्रियो है, लगभग 8 सेल वाले स्टेज तक, इसे अगर ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो इस प्रोसेस को हम ज़िफ्ट कहते हैं, यानी कि जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी कि जायगोट को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? फैलोपियन ट्यूब में। एक्चुअली ये सिंगल सेल्ड जायगोट नहीं है, ये 8 सेल तक के स्टेज में हम इसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में। और अगर सेल्स का नंबर 8 से ज्यादा हो चुका है, मतलब 16-32 कुछ हो चुका है, तो अब इसे जो ट्रांसफर किया जाएगा वो यूट्रस में किया जाएगा। और ऐसे ट्रांसफर को हम IUT कहते हैं, यानी कि इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। आपसे पूछा जा सकता है ZIFT और IUT में क्या डिफरेंस है? ZIFT कब होगा भाई? जब 8 सेल तक का एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसे ZIFT कहते हैं। और अगर 8 सेल से ज्यादा हो चुके हैं एम्ब्रियो में और इसे हम ट्रांसफर करते हैं कहां? यूट्रस में, तो इसे हम IUT कहते हैं, यानी कि इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। यहां आपने देखा कि कैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि मान लो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, और इसे कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? या तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर। या तो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा तो ये IUT कहलाएगा, और अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा तो ये ZIFT कहलाएगा। इसके अलावा, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अलावा, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के बाद भी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। कब होता है भाई? मान लो कि कोई फीमेल ऐसी है जिनमें फर्टिलाइजेशन तो हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो नॉर्मल है, यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट जो आगे बढ़ेगा, ये एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, यहां पर कोई प्रॉब्लम है यूट्रस के साथ। तो ऐसे फीमेल्स में क्या किया जाता है, इस फर्टिलाइज्ड जायगोट को निकाल लिया जाता है और इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी दूसरी हेल्दी वुमेन के अंदर। और वहां भी अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा तो ZIFT कहलाएगा ये, और अगर यूट्रस में ट्रांसफर किया गया तो IUT कहलाएगा। ये कब होता है भाई? अगर कोई फीमेल फर्टिलाइज तो हो रही है लेकिन वहां पर इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है, यूट्रस का कोई परेशानी है। इसके अलावा एक और केस में ये यूज होता है। कब? अगर कोई फीमेल मदर तो बनना चाहती है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के केस में आप ऐसा देखोगे कि वो मदर तो बनना चाहती है लेकिन वो 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में रखना नहीं चाहती है। तो ऐसे केस में वो क्या करती है, उसका जो अपना ये फर्टिलाइज्ड जायगोट है वो किसी और वुमेन को दे देती है, और ऐसी वुमेन को सरोगेट मदर कहते हैं, और इस एक्ट को सरोगेसी कहा जाता है। तो दूसरी वुमेन जो है वो क्या करती है, 9 महीने तक इस बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो किसका बच्चा कहलाएगा, जो उसकी बायोलॉजिकल मदर है, यानी कि जिसका कि जायगोट लिया गया था। तो इस तरीके से इन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। आगे कुछ और टेक्निक्स को देखते हैं। यहां हम देखेंगे गिफ्ट को। गिफ्ट का मतलब क्या है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। कहने का मतलब, इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैनॉट प्रोड्यूस वन। मतलब कोई फीमेल ऐसी है जिसमें कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, मतलब उसमें एग सेल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जो यूट्रस है वो नॉर्मल है,
वो सुटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है किसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। तो क्या किया जाता है, किसी दूसरी फीमेल से जहां की ओव्यूलेशन हो रहा हो, जहां की एग सेल प्रोड्यूस हो रहा हो, तो वहां से एग सेल को ले लिया जाता है और इस ओवम को ट्रांसफर कर दिया जाता है इस पहली वाली फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में। अब जब यहां पर क्वाइटस होगा, इनसेमिनेशन होगा, तो स्पर्म सेल आएगा, स्पर्म सेल आएगा और इसे क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT। इसके बाद एक और प्रोसेस को जानेंगे हम, जो कि है ICSI, यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम के अंदर, ये कहलाता है ICSI। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। यहां क्या होता है, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड से, या फिर अगर हस्बैंड इनफर्टाइल है तो किसी हेल्दी डोनर से, और इस सीमेन को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है वेजाइना में या फिर यूट्रस के अंदर। अगर यूट्रस में इंसेमिनेट करवाया गया तो इसे कहते हैं IUI, यानी कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। तो यह प्रोसेस कहलाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि इंडिया के जो लॉज हैं वो लीगल एडॉप्शन को परमिट करते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई ऑर्फन है तो उसे पेरेंट्स मिल जाएंगे, और जो कपल है जिसे कि बेबी नहीं है उसे बेबी मिल जाएगा। तो एडॉप्शन भी एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपको कैसा लगा ये चैप्टर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना। थैंक यू।